अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जमात सोइम का रेमेडी पैक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सफ़ा नंबर है 35। मज़मून है हमारा उर्दू। सवाल नंबर एक है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के अखलाक के मुतालिक 5 जुमले लिखें। आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो था वो सबसे अच्छा था, बहुत आला था, और हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है वो बेहतरीन नमूना है, ताकि हम उनकी ज़िंदगी और उनकी बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इखलाक के मुतालिक 5 जुमले लिखें। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक सबसे आला था। दो है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों से शफ़क़त से पेश आते थे। हमारा तीसरा पॉइंट था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मस्कीनों का ख्याल रखते थे। हमारा चौथा पॉइंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे। हमारा पांचवा पॉइंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा पांचवा पॉइंट था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों का ख्याल रखते थे। हमारा सवाल नंबर दो है, मस्जिद नबवी की तस्वीर चिस्पा करें। आप सबको पता होगा कि मस्जिद नबवी क्या है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मस्जिद नबवी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी में है, और मस्जिद नबवी जो है वो कहाँ पर है, मदीना मुनव्वरा में वाक़िया है। मैं या आप लोग किसी भी मैगज़ीन या रिसाले या किसी भी अखबार से मस्जिद नबवी की तस्वीर कट करके यहाँ पर चिस्पा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया, अगर आप इसको अच्छे से हल कर सकेंगे। शुक्रिया।